हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अनदर चार ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में जहां पर अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, एंड हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वहां पर आपको बाय सेल या फिर होल्ड करना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे गोधा कैपकॉन से। मैंने लिस्ट में रखा था VCO डाटा मैनेजमेंट को, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुका है, जिस वजह से यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ा, एंड ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाकर रखा है, आप जाकर चैनल पर ही लेटेस्ट वीडियोस के थ्रू से जाकर देख सकते हैं। यस, VCO डाटा मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया कि कैसे आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, एंड क्या आपको डरना चाहिए या नहीं, क्या आप अकेले हो जो फंसे हुए हो, और बहुत सारे पॉइंट्स में इसी बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो गो थ्रू दैट वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में गोधा कैपकॉन के बारे में, वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में, इसके अलावा साधना ब्रॉडकास्ट, एंड साथ ही साथ अद्विक कैपिटल लिमिटेड। यस, अद्विक कैपिटल लिमिटेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो हम शुरुआत करेंगे गोधा कैपकॉन से। गोधा कैपकॉन की बात करें तो वॉल्यूम आज यहाँ पर 18 लाख के आसपास थी। अगर आपको देखना है तो आप 5 पैसा ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे जाओ एंड देखो वॉल्यूम कितनी थी, अराउंड 18 लाख के आसपास थी, ठीक है। एंड यहाँ अगर हम देखें आज वाले दिन तो अपर सर्किट लगा हुआ है, उसके साथ ही साथ डिप, यस सेलिंग हुई है, सेलिंग हुई है, बट बायर्स भी अच्छे खासे थे, दैट्स वे यहाँ पर जो है हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देखने को मिला। प्रेशर मीन्स लोअर सर्किट। लास्ट 5 डेज की अगर बात करें तो 20% तक का रिटर्न मिल चुका है। उसी बीच अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑलमोस्ट ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। लास्ट 1 मंथ में सिर्फ 1.81%। पॉइंट ये है, क्या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 6 मंथ की चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये स्टॉक 30 रुपये तक चला गया था, यस 30 रुपये तक चला गया था, एंड अब ये 8 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 75% तक का ये लॉस अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई अपर सर्किट है उसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको देखें तो लेट मी शो यू, तो ये जो है 20% तक का रिटर्न दे चुका है। अब मान के चलो यहाँ पर और 1 या 2 दिन तक अच्छा खासा ये पॉजिटिव आपको देगा, रिटर्न देगा, उसके बाद फिर से लोअर सर्किट लगेगा एंड वापस ये 6 रुपये के आसपास आ सकता है। हो सकता है कि 4 रुपये के आसपास ये अगर ट्रेड होना शुरू हो जाए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप इसकी 5 ईयर्स की चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि स्टॉक पहले 1 रुपये 2 रुपये के आसपास ट्रेड करता था 2020-21 में। तो अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं एटलीस्ट फॉर 6 मंथ, तो ये वापस 1 रुपये या फिर 2 रुपये, एटलीस्ट 3 से 4 रुपये के आसपास जो है आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिलने वाला है। क्लियर? यस। क्योंकि मार्केट क्या देखें तो सिर्फ और सिर्फ 187 करोड़ की मार्केट के बेस के 187 बहुत छोटी सी कंपनी है। PE रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 228, थोड़ा सा हाई है। 52 वीक्स लोवेस्ट 1.5 रुपये के आसपास था, एंड हाईएस्ट में ये 29.75, बहुत ही नाइन सफ़े एंड बहुत ही हाई प्राइस में ये ट्रेड हो रहा था। एंड अभी अगर आप देखोगे तो अपने 52 वीक्स लोवेस्ट से अब तक ये 8 टाइम्स हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो पॉइंट क्या है कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को 1 रुपये या फिर 2 रुपये के आसपास बाय करते हो ना, जो कि पहले था 2021 के आसपास, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। बट अब जब ये रैली कर चुका है एंड गिर चुका है, उसके बाद भी अगर आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप गलत डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि आप रैली को चेस करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ के होंगे। अब हम बात करते हैं अगले शेयर के बारे में, दैट इज़ वीरम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। क्या यहाँ पर हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? तो वीरम सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो फ्रेंड्स लास्ट कुछ दिनों से इसमें भी कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है, एंड अच्छा खासा यहाँ पर जो है ये अभी जंप ले चुका है। कितना? तो अब तक जो 33% का जंप ले चुका है। अगर आप और थोड़ा पीछे आते हैं तो अब तक जो 60% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है 2022 के जुलाई मंथ में। यस, सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ में। क्या कितनी अच्छी बात है ना। अब मैं आपको थोड़ा इसकी प्रीवियस चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ 6 मंथ की। मालूम पड़ेगा कि हाईएस्ट कितना चला गया था, 36 रुपये से चला गया था, ठीक है। उसके बाद ये क्रैश हुआ कितने, 53-55% तक। उसके बाद फिर से ऊपर गया, हाईएस्ट चला गया था अगेन ये 33 रुपये से आसपास, फिर से प्रेशर आया। एंड अभी अगर आप देखोगे तो ये फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि प्रीवियस रिकॉर्ड जिसने तोड़ा था 35 रुपीज़ का, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड था, उसे भी सिंस होल्ड कर रहा है। अभी 38.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से ना पोटेंशियल बन जाता है। लगता है कि ये रिकॉर्ड थोड़ा ऊपर जा सकता है, हो सकता है कि 45 तक जाए या फिर 50 रुपीज़ तक भी जाए। बट ये बोलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एट द एंड में आपका पैसा आपका हार्ड अर्न मनी है, आपको ही डिसीजन फाइनल डिसीजन लेना होता है, ठीक है।
नो डाउट यहाँ पर पोटेंशियल बनते हुए देखने को मिल रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसने अपने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर जा सकता है। आपको इसे अपने वॉच लिस्ट में रखना है। अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो, मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर ये स्ट्रैटेजी क्रैक की एंड अगर ये 40 रुपीज़ के आसपास चला गया, 50 रुपीज़ के आसपास चला गया, तो आपको बिल्कुल ही बाइंग नहीं करनी है। आपको वापस आना है हमारे चैनल पर, एंड हो सके तो एटलीस्ट एक कमेंट करें या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के एक कमेंट या फिर एक फीडबैक जरूर दें कि हाँ हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो ऑलमोस्ट करेक्ट हुई एंड ये 40 to 50 rupees के आसपास टच कर चुका है, क्या यहाँ पर फिलहाल बाइंग कर चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि उस समय तक और भी बहुत सारे शेयर्स हमारे वॉच लिस्ट में, दैट मीन्स मेरे वॉच लिस्ट में आ चुके होंगे, जिसके थ्रू से मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ भाई आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। येस ऑब्वियसली आई विल डू दैट इफ यू वॉन्टेड टू अर्न मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, फ्रॉम द पेनी स्टॉक। यस सो अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले स्टॉक के बारे में, लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर आपको नहीं 52 वीक्स लोवेस्ट देखने को मिल रहा है, नहीं 52 वीक्स हाईएस्ट, बट इससे पहले ये मैनिपुलेटेड हो चुका था एंड अभी फिर से जो है इसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। एंड लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को ये 1000% तक का रिटर्न दे चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम बात करेंगे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि लास्ट 5 ईयर्स में जो है इन्वेस्टर्स ने 500 या फिर ये मतलब कितना वो 1000% तक का रिटर्न कमाए थे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 6 मंथ में साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड का 851% ऑलमोस्ट 900% के आसपास का रिटर्न साधना ब्रॉडकास्ट ने जस्ट इन 6 मंथ में दे चुकी है। तो बताओ भाई अच्छी है या नहीं। ऑब्वियसली दैट्स वाई वी कॉल कि पेनी स्टॉक्स में पोटेंशियल है, बट आप किस पेनी स्टॉक को चूज करते हो, क्या वहाँ पर ऑपरेटर्स आते हैं या नहीं, क्या वहाँ पर हमें जंप देखने को मिलेगा या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो ऐसे पेनी स्टॉक को खोजने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर कि आपको कोई ऐसे पेनी स्टॉक मिले जिसका प्राइस 1 रुपये 5 रुपये के अंदर हो एंड चांसेस हो कि स्टॉक जंप करे एंड 17, 20, 25 रुपये तक जाए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो कि सर प्लीज़ एक पोटेंशियल स्टॉक लेकर आए पेनी स्टॉक जहाँ पर हमें हाई ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है, विद इन शॉर्ट पीरियड। अब हम इसके बाद बात करेंगे इसकी चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझने के बारे में। आज वाले दिन अगर देखेंगे तो 1 डे में अपर सर्किट लगा है, 5 डेज में कंटिन्यूसली अपर सर्किट जा रहा है, लास्ट 1 मंथ में 51% तक का रिटर्न, इस बीच ना थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेड होने लगा था एंड मैं इसे ट्रेड फॉर मतलब अपने वॉच लिस्ट में रखा था 10 रुपये से एंड अब तक जो है फ्रेंड्स लास्ट विद इन 1 to 2 वीक जो है मतलब कि चलो 2 से 3 हफ्ते में जो है अपने इन्वेस्टर्स को 70% का रिटर्न दे चुकी है, बहुत अच्छी बात। 52 वीक्स हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ईयर बात करें तो हाईएस्ट में ये फिलहाल 70 या फिर 80 पैसे के आसपास जो हम फिलहाल देख रहे हैं एंड लोवेस्ट में ये less than 1 rupees में ट्रेड कर रहा था, बहुत ही हाई रिस्क है, ठीक है। मार्केट कैप 178 एंड पीई रेशियो 593, हाई प्राइस में ट्रेड कर रहा है, दैट्स ए पीई रेशियो में हमें बहुत ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि आप लोगों ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में समझ गए होंगे। अगर हम बात करें पर एंट्री करनी चाहिए नहीं, ऑलमोस्ट लेट तो हो चुका है क्योंकि ये स्टॉक जो है मान के चलो 13 या फिर 10 रुपये से जो है 17 रुपये तक जा चुका है, ऑलमोस्ट 70% तक जंप कर चुका है, लेकिन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये और 30 से 40% तक ऊपर जाए एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो एंट्री क्या हमें यहाँ पर फिलहाल एंट्री करनी चाहिए, करो बट छोटे से अमाउंट के साथ, एक्सपेरिमेंट करो सर, बहुत बड़ा अमाउंट लगा कर रिस्क मत लेना, आपका पैसा बहुत सारा पैसा आपका डूब सकता है। कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेट गेस अगर आपके पास 100 रुपये हैं, परसेंटेज वाइज बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप इसका 5 to 10% 10% में बहुत ज़्यादा बोल जा रहा हूँ बट फिर भी ये 10% के आसपास जो है आप अपने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अगर आप ऐसा करते हो कि आपका 50 या फिर 90 या फिर 100% ऑफ योर कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट करते हो ऐसे पेनी स्टॉक्स में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को पड़ सकता है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ 16% का रिटर्न दी है, लेकिन एक पेनी स्टॉक है, कितने रुपये का है, 3.94 रुपये का, क्या इसे बाय करना चाहिए, आगे समझते हैं। हाइएस्ट ये 6 रुपये तक गया था, अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में मालूम पड़ेगा कि हाइस्ट जो स्टॉक 6 रुपये तक चला गया था एंड उसके बाद अचानक से डाउनफॉल हुआ 50% का एंड आज अगर आप देखोगे तो अभी भी इतना थोड़ा बहुत मैनेज करने के बाद भी जो है अभी ये 30-35% तक का जो है डाउनफॉल अपने इन्वेस्टर्स को दिखा चुकी है। आज वाले दिन लोअर सर्किट लग चुका है, लास्ट 5 डेज में ये जो है थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिनों में 15 से 20% का रिटर्न दिया था, लेकिन आज लोअर सर्किट
10% का डाउनफॉल हो चुका है। तो क्या फिलहाल हमें यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, बाइंग करने की सलाह तो नहीं दे सकता, बट अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर एंटर कर चुके हो तो आप थोड़ा सा वेट करो एक हफ्ते के लिए, चांसेस है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बट अगर ये स्टॉक कल भी लोअर सर्किट लगा, अगर कल भी ये 5 से 10% का डाउनफॉल देता है, तो फिर बताना चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है निकाल लो और कुछ पैसों को जो है यहाँ पर रहने दो ट्रेड होने के लिए, ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर सको और समझ सको कैसे काम कर सकते हैं। मार्केट की आपकी अगर बात करें तो मालूम नहीं पड़ रहा है, 52 वीक्स लोवेस्ट में ये 1.72 रुपये के आसपास था एंड हाइएस्ट में 6.30 रुपीज़। देखिए, अगर आपको अद्विक कैपिटल लिमिटेड के ऊपर एक फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हम इसकी बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, क्या है इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सारे पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ इसकी फिलहाल की बात करें तो चार्ट पैटर्न से यही मालूम पड़ता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। लास्ट 5 ईयर्स में भी सिर्फ 15%, अगर हम 1 ईयर की भी बात करें तो 47-50% तक रिटर्न दिया है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। क्लियर? आई होप कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको कुछ डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो दे दूँगा। दूसरी पॉइंट, अगर आप इनमें से किसी भी स्टॉक में एंटर करना चाहते हैं तो आपको खुद का अपना रिसर्च करके एंटर करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।